10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को अस्पताल परिसर में नदारद नर्सों ने थाली पीटकर शासन प्रशासन तक अपनी मांगे पहुंचाने का प्रयास किया। नर्सों के हड़ताल पर जाने से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होने लगी है। वहीं नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल से प्रभावित हो रही स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए SDM ओम नारायण सिंह ने अस्पताल का दौरा किया। SDM ने हड़तालरत नर्सों से चर्चा भी की और आश्वस्त किया कि प्रशासन स्तर पर भी उनकी मांगे शासन तक पहुंचाई जाएगी। हड़तालरत नर्सों ने धरना स्थल पर मुख्यमंत्री की तस्वीर रखकर नारेबाजी भी की। इस दौरान अव्यवस्था न हो इसलिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। नर्सिंग ऑफिसर की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नर्सिंग ऑफिसर को नैतिक आधार पर इनकी जायज मांगों के लिए समर्थन करता है। हम भी इनकी जायज मांगों के लिए पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में इन्हें जो भी सहयोग प्रदान इन्हें सहयोग प्रदान किया जाएगा। अपने आप पुरस्कार मिलना चाहिए। अनिल कोपड़े, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष खरगोन। हाँ, सामान्यतः कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि मेडिकल व्यवस्था सुचारू चलती रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसी के तारतम्य भी तहसीलदार भी थे, डॉक्टर साहब हैं, RMO साहब हैं, मैं खुद हूँ, ये व्यवस्था देखने आए थे। तो यहाँ पर अभी हड़ताल चल रही है, उनकी कुछ राज्य सरकार से मांगे हैं, उनकी बातें सुनी हैं, वो जो भी जिनायज है उस लिखित में अगर देंगे तो हम ऊपर प्रस्तुत कर देंगे। सर, जिला अस्पताल में भी व्यवस्था देखिए किस प्रकार से अभी सुचारू चल रही है और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? हाँ, व्यवस्था सामान्य है और सभी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास HR और भी हैं सप्लीमेंट्री में, डॉक्टर साहब लोग लगे हैं, सिविल सर्जन और CMHO ध्यान दे रहे हैं, कलेक्टर साहब बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं सामान्य है, कोई भी चीज के लिए हमारे पास सारी व्यवस्था रखी है और संभवतः भी हड़तालियों से भी बात हुई है। हमने यही कहा कि जल्द से जल्द वो अपर वापस लौटेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लेना है, वहाँ हमने इनकी मांग पहुँचा दी है। तक पॉजिटिव वे में जा रही है, हमारी कुछ मांगों पर चर्चा चल रही है और निश्चित ही ये सरकार भी समझती है कि हमारा कितना महत्व है और जो मरीजों को नुकसान हो रहा है उसके लिए तो हम आज तीसरे दिन भी हम क्षमा मांगते हैं। शासन जितनी जल्दी हमारी आवाज़ सुन लेगा हम उतनी ही जल्दी हम हड़ताल पे वापस हम मरीजों की सेवा के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगे है ओल्ड पेंशन योजना है, ग्रेड 2 है, जो प्रमोशन कई वर्षों से रुके पड़े हैं वो प्रमोशन हमको चाहिए, और रात्रिकालीन भत्ता जो डॉक्टरों को दिया जा रहा है वो जो साथी कर्मचारी है उनके साथ में जो कदम ताल मिला के काम करते हैं उसमें सभी है नर्सेज है ड्रेसर है सभी काम करते हैं उनको भी दिया जाए। आज तुम्हारे समर्थन में ड्रेसर ऑन भी उतर गए, ड्रेसर ऑन भी हड़ताल कर रहे, कितना प्रभाव गिरेगा स्वास्थ्य सुविधाओं? निश्चित ही कर्मचारियों की मांगे अगर यदि नहीं मानी गई तो पूरी व्यवस्था चरमराने की पूरी संभावना है। सभी कर्मचारी हमारे साथ में है और वो भी समझते हैं कि आज समय की मांग है, जिस हिसाब से सरकार हमको वेतन दे रही है वो बहुत कम है, और अन्य राज्यों की भांति हमारे को ग्रेड 2 अगर यदि नहीं दिया जाता है तो फिर ये आंदोलन उग्र होगा। गरिमा जैन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।